Hey guys, this is the second part of our episode with the candidate Rachit Sharma. In first part, we had discussed about how to prepare for NDA written and how to prepare for SSB. This part would be a light-hearted conversation with Rachit about his SSB experience and medical experience. And in the end, I will leave the questions open to him. He will be able to ask questions to me as well regarding NDA or anything else if he wants to ask. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। तो रचित, 5 दिन क्या हुआ वहाँ पे एसएसबी में, जो यू मेड फ्रेंड्स? बिकॉज मेरे जो एसएसबी वाले फ्रेंड्स हैं, दे आर स्टिल इन टच विद मी, जो नहीं गए एनडीए वो भी और जो एनडीए में है वो भी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड वो जो 5 दिन जो मस्ती की तुम लोगों ने और फ्रेंड्स बनाए उनके, उसके बारे में बता यार। तो देखो, जो 5 दिन वाला एक्सपीरियंस था वो तो ऑब्वियसली, जैसे आपको भी याद होगा कि वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है। लाइक 20-30 नए बंदे होंगे, सब जगह से आते हैं, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस, वही सुनने में आधे से ज्यादा टाइम निकल जाता था। लाइक जैसे एक बार स्क्रीनिंग हो गई ना, रोज रात को हमारे को 3-4 कमरे मिले थे, 20 बंदे स्क्रीनिंग हुए थे, 4 कमरे मिले थे, हर कमरे में 6 बंदे, लास्ट वाले में 2। अब एक रूम नंबर 2 था हमारे को, जिसमें हमारी रोज रात को पंचायत बैठती थी। पहले दिन सबका इंट्रो हुआ कि अच्छा ये यहाँ से, ये यहाँ से। उसके बाद से 2 से 3 दिन यूजुअल कॉन्वर्सेशन, जो कि आपको भी पता है, सबको पता है, इधर उधर की जितनी बकचोदी होगी सब हो जाएगी, यहाँ से कुछ आ रहा है, वहां से कुछ आ रहा है, जितनी चीजें होंगी। तो ये चलता था। हिट क्या होती थी वहां पे, मिल गया था कैरम और चेस। नाउ इधर वहां पे या तो 2 बंदे बैठ के बहुत शांति से चेस खेल रहे होंगे, या फिर कैरम में बैठ के 8 बंदे अलग ही बातें चल रही होती थी। कैरम की जगह पता नहीं क्या चल रहा होता था वहां पे, है ना। उसके बाद जो अपना वो एसएससी वाला एक्सपीरियंस रहता है, उसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग बंदे मिलते हैं ना, जिनसे बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग बैठती है। इट इज लाइक कि वो सेम फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। ऐसे मेरे को भी मिले थे, और उनमें से एक तो था मेरा दोस्त था रोनित, वो ही केम फ्रॉम आरआईएमसी। तो हम लोगों ने पहले से प्लान आउट करके, वी स्टेड टुगेदर एक दिन पहले, देन वी वेंट। तो हम दोनों की तो पट्टी थी, साथ में वी गॉट अ गाय फ्रॉम जम्मू, अनदर गाय हु वाज फ्रॉम दिल्ली। अब हम लोगों के मस्त अलग ही वहां पे रोज रात को बैठेंगे, कहीं कुछ बातें चल रही, कहीं कुछ चल रहा है। डिनर हो गया, डिनर के बाद, डिनर हो गया 8 बजे, उसके बाद सब घूम रहे 1.5-1.5 घंटे बाहर, इधर उधर की बातें। उसके अलावा जो सबसे बड़ी हिट हुई थी, कोविड का टाइम, मेरे आई गॉट अ ब्लोटेड स्टमक, द नाइट वी गॉट स्क्रीन इन, दैट नाइट आई गॉट अ ब्लोटेड स्टमक, एंड व्हाट हैपेंड, ड्यू टू दिस ब्लोटेड स्टमक आई गॉट अप एट 3:30। नाउ आई वाज द वन हु वाज इन चार्ज एंड वाज सपोज्ड टू वेक अप एवरीवन। अब आई फॉरगॉट टू टेक माय वॉच, मैं घड़ी नहीं ले गया, दूर घड़ी थी, दिख नहीं रही थी। नाउ आग खुली, यहां से जो लाइट आ रही थी वो बहुत ब्लू लगी, अर्ली मॉर्निंग वाली। तो मैंने मेरे बाजू वाले को उठाया, द गाय फ्रॉम जम्मू, रात के 3:30 बजे, मेरे को नहीं पता 3:30 बज रहे। मैंने उठाया, भाई उठ जा, सुबह हो गई, उठना है। उसने उसके बाजू वाले को उठाया, अब आधा रूम जग चुका है। उसके बाद जो सबसे आखिरी में उठा था, उसने घड़ी देखी, ही गॉट मी सम गुड वर्ड्स आउट ऑफ हिज माउथ एंड ही वाज लाइक 3:30 बज रहा है। मतलब 3:30 बजे सोचा गुड नाइट, गुड नाइट, मैं भी सो रहा हूँ, फर्स्ट डे साइकोलॉजी वाला दिन है। उसके बाद साइकोलॉजी इवेंट, एवरीथिंग हुआ, सब होने के बाद उसी दिन हम लोगों को बोल दिया कि आपके होंगे इंटरव्यू। नाउ वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ पहले 10 बंदों के होंगे या ऐसे होंगे, नहीं, सबके इंटरव्यू एक दिन, 4 बंदे छोड़े बस, मुश्किल से 2 या 3 बंदे बच गए, मतलब सबके इंटरव्यू एक दिन। अब ऑब्वियसली जैसे जैसे इंटरव्यू देके आ रहे हैं, कोई साइक तो सबका हो गया, बोले साइक हो गया, अरे एसआरटी का कोई, वैट में क्या लिखा, ये लिखा, वो लिखा। अब जब इंटरव्यू की बात आई, तो वहां पे जो टी स्पॉट है वहां पे ऐसा जमावड़ा बैठा था, जैसे ही कोई कैंडिडेट आता था, अच्छा तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, फिर सब वो क्वेश्चन लिख रहे हैं, अच्छा हाँ चेस के मीटर का, हाँ चेस के एक बॉक्स का साइज इतना, हाँ इतना इतना, ये मैथ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आधे आंसर पहले से प्रिपेयर हो चुके थे वहां पे जाने से, बोले वॉल्यूम ऑफ रूम 10.5 की हाइट बोलना, 21 की लेंथ बोलना, 20 की ब्रेथ बोलना, पहले से आंसर डिसाइड हो चुके वहां जाने से पहले। फिर उसके बाद अब इंटरव्यू हो गया, तो सबकी टेंशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अगले दिन है जीटीओ, उसकी क्या टेंशन लेना, वो तो वहीं होना है जो होना है। तो मस्त वहां पे उस दिन रात को बैठी पंचायत, किसी की गर्लफ्रेंड के किस्से निकले,
ठीक है, स्कूल के किस्से निकले, किसी ने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ करी हैं वो निकला, और उस दिन रात के 1 बजे तक यही चला, कैरम के टूर्नामेंट चले और यही चलता रहा। ऐसा करते करते 5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चले। एंड ऑब्वियसली हमारे साथ बहुत सारे सैनिक स्कूल और आरआईएमसी वाले थे, तो सैनिक स्कूल और आरआईएमसी वालों के साथ यू नो गर्लफ्रेंड वाला किस्सा लग ही रहता है। दे आर लाइक भाई गर्लफ्रेंड क्या, हमने तो लड़की नहीं देगी। फिर उसके हिसाब से कहानियां चलती थी। सो दैट वाज यूज्ड टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रेट यार, ग्रेट। सैनिक स्कूल और आरआईएमसी वाले ऐसे स्पेसिमेन के लिए निकलते ही है पक्का एक बैच में। हाँ अरे ट्रस्ट मी, लाइक हमारे बैच में आई टेल यू वन आरआईएमसी गाय एंड 4 to 5 वर फ्रॉम सैनिक स्कूल। ओके, 4 से 5 बंदे थे हमारे पास सैनिक स्कूल वाले। तो फिर उन लोगों की तो टांग खींचने में यू नो पब्लिक स्कूल वालों को अलग ही मजे आते थे कि भाई हम तो कोविड में थे। दैट डे वेंट कि भाई कोविड में सोशल नहीं हुआ यार, ये नहीं हुआ, इतनी 5 साल तक एसएससी कराई थी, ये भी करने नहीं मिल रहा। कहानी शुरू कर, जब असेसर आता है और वो बोलता है कि सो एंड सो चेस्ट नंबर आर सिलेक्टेड से लेकर पूरा मेडिकल का एक्सपीरियंस वो शेयर कर मेरे साथ। या तो क्या हुआ था ना कि हमारे में जो 20 बंदे थे, सो आई वाज चेस्ट नंबर 17। तो उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर, यूजुअली मेरा थर्ड या फोर्थ नंबर पे कॉन्फ्रेंस हो गया। अब जैसे जैसे वो बंदे आ रहे थे, सो वो जो 1.5 से 2 घंटे का टाइम पीरियड था वो हम लोगों के लिए इतना स्ट्रेसफुल था, क्योंकि जब तक कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी तब तक था कि अभी भी टाइम है, अब हो गई है तो अब एंजाइटी हो रही थी कि अब क्या होने वाला है, अब बताओ। देन जैसे ही फर्स्ट नंबर का हुआ, फिर सबको बोला कि अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर वहीं पे हवाएं चल रही कि अभी तो लंच होगा, 2 बजे तक रिजल्ट देंगे, बट लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला बस ये कॉन्फ्रेंस हो गई, फॉरन बोले पहले रिजल्ट सुनो उसके बाद लंच करना। हमें नहीं पता, बोला ठीक है दे दो रिजल्ट, खा तो पाएगा इंसान कम से कम अच्छे से। तो देन हैपेंड इट स्टार्टेड, लाइक हम 8 बंदे रिकमेंड हुए तो एक एक करके आ रहा था। फिर जैसे ही चेस्ट नंबर 11 हुआ, फिर ऐसे बैठे हुए, देन आई वाज चेस्ट नंबर 17। एज सून एज ही कॉल्ड आउट चेस्ट नंबर 17, पहले तो 2 सेकंड ऐसा था कि बोलना क्या, अच्छा हाँ। देन यू गेट अप एंड फिर वो सब मिलते हैं हम लोगों को, बस हमारे जो नहीं हो पाए थे सिलेक्ट उनसे मिलने का टाइम नहीं मिल दिया, बिकॉज श्योरली लंच टाइम हो रहा था। तो दे वर लाइक नहीं हम पहले फॉर्म भरो, तो हम उनसे नहीं मिल पाए थे ज्यादा ढंग से। बट उसके बाद वो जो एक टेंशन भरा माहौल रहता था वो फॉरन इतने रिलैक्स माहौल हो जाता है कि पहले तो फोन मिल जाए, घर पे फोन करना है हम सबको, तो वो सिनेरियो था। देन उसके बाद अब जब 5 दिन हो चुके थे, तो देर इज अ कैफेटेरिया, वहाँ पे कैफेटेरिया है, वो कैफेटेरिया अड्डा बन चुका था तब, क्योंकि जब डिनर हो गया कुछ भी हो गया तो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं कुछ करने जा रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं कुछ नहीं है तो। और उसके बाद क्या होता था कि बेंगलोर बोर्ड में, इन जो बेंगलोर वाला सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पे फोन वंस यू आर रिकमेंडेड, आपको फोन के टाइम पीरियड लगा देते कि आपको 2 से 6 फोन मिलेगा बस, और वो भी कहाँ चलाना है, बस गेट और उस कैफेटेरिया में। तो अब जब आप एक बार रिकमेंड हो जाते हो, उसके बाद वो कैफेटेरिया और अड्डा बन चुका होता है, 4-4 घंटे वहीं बैठे रहते मेडिकल के बाद। देन वी वेंट टू मेडिकल लाइन, ये सब हुआ। अब वहां पे अलग बवाल मचा हुआ, वहां पे मिल गया हम लोगों को टीवी। अब उसके बाद क्या ही होना था, बंक बेड, रात को कुछ चल रहा है, चेस चल रहा है वहां पे। आई लर्न टू प्ले ताश ओवर देयर, मेरे को कार्ड्स खेलने नहीं आते थे वहां पे, चौगड़ी ब्लफ 2-3-5 सब सीख के। 7 दिन के मेडिकल में हम लोग केवल ताश खेलते थे। वो चले गए, उसके बाद रात के 2 बजे तक ताश चल रहा है वहां पे। तो वो एक अजब हुआ करती थी। देन उसके बाद आके थे, तो अब जिनके मेडिकल्स होके जा रहे हैं वो लोग जाते जाते थे, बंक बेड खाली हुए, फिर धीरे धीरे जब सेंटर खाली लगने लगा तो अगेन कोई इन होके आ जाते थे, फिर वहां पे नई कहानियां चालू हो जाती थी, फिर वी गेट सम मोर प्लेयर फॉर चौकड़ी एंड एवरीथिंग। तो ये वहां पे एक अलग ही माहौल रहता था। और वहां पे सबसे बड़ा उस वक्त की फाइट रहती थी आईपीएल और सॉन्ग्स। आईपीएल चल रहा था, 3 बंदों को आईपीएल देखना, 6 बंदों को सॉन्ग सुनना, तो सुबह से शाम तक यही होता रहता था। एंड वन इंसिडेंट आई रिमेम्बर फ्रॉम मेडिकल लाइन्स, एक दिन था 12 बोर्ड का और 24 बोर्ड का जीटीओ, और कहाँ होना था, मेडिकल लाइन्स के गेट के जस्ट सामने जीटीओ ग्राउंड का कमांड टावर। तो उस दिन था संडे, मेडिकल्स के लिए जाना नहीं था, मेडिकल बोर्ड बंद रहता है। तो उस दिन सुबह सुबह सीएचएम साहब आए, सीएचएम साहब ने जो बंदा उठा मिला उसको बोल दिया कि सबने मैसेज पास कर देना, आज कोई बाहर नहीं घूमने निकलेगा, चिल्ला चोट नहीं करना, टीवी का वॉल्यूम कम रखना, और सबसे मेन बात गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, आज जीटीओ होना है बाहर। मेन चीजें बोल के गए। और एज यूजुअल संडे था, बंदे उठ रहे हैं 8-8, 8:30, 9 बजे, बोले हो गया आज कहीं जाना भी नहीं है, सबके सबने छोड़ दिया ब्रेकफास्ट, कोई ब्रेकफास्ट करने नहीं गया। नाउ अ गाय वो कब, एक था मैंने से पहले रिकमेंड हुआ था, वो उठा और उसे बोला कि भाई बाहर नहीं जाना, ये सब बता दी। लेकिन पता नहीं वो कौन से आधे नींद में था, उसके दो दोस्त बाहर कैफेटेरिया जा रहे थे, वो उनको जाके 2 गालियां चिल्ला के बोलता कि मेरे लिए ये लेके आना, सामने जीटीओ चल रहा था। सामने जीटीओ, हमने उसका मुंह पकड़ के उसको इधर रगड़ के वापस लाए हैं वापस अंदर, कि अभी तो सबकी परेड लगवाएगा यहाँ पे।
एंड दैट वाज अ फनी इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन मेडिकल लाइन प्रिसाइजली. ग्रेट दैट्स अ बहुत ही बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ वर दोस डेज, क्योंकि तब कोई टेंशन नहीं है बंदे को. या टेंशन स्टार्ट बिल्कुल इफ यू गेट ट्रू. मेडिकली रिजेक्टेड और समथिंग. अच्छा ये मेरे तो भैया मेजरली यही क्वेश्चन थे कि लाइक स्विमिंग वन ऑफ दोस थिंग्स जो मेरे को नहीं आती है लाइक लर्निंग, बट श्योरली उतने अच्छे से अभी नहीं आई है. तो ए दैट एंड सेकंड वन कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स, आई हैव नॉट बीन इनटू सो मच ऑफ स्पोर्ट्स, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स का थोड़ा डाउट रहता है कि कैसे क्या करके जाए, वरना वहां पे कितना रगड़ा झेलना पड़ेगा. लाइक हाउ टू मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर फॉर अस. फर्स्ट मैं स्विमिंग का बताता हूँ. तो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. तुम कुछ मत सीख के जाओ, बस स्विमिंग जरूर सीख के जाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई सीनियर सिखाता नहीं है और वहाँ पे कोई उस्ताद ठीक से नहीं सिखाता है, सिर्फ तो डुबाने में इंटरेस्टेड है वहाँ पे सब. तो इसलिए स्विमिंग पक्का सीखो. और फर्स्ट टर्म में वन ब्रेथ होती है, यू हैव टू डू वन ब्रेथ. और सेकेंड टर्म में फिर यू हैव टू डू टू, थर्ड टर्म में थ्री, ऐसे करके सब्सिक्वेंटली बढ़ता रहता है. और वन ब्रेथ इज लाइक 50 मीटर्स, और 50 मीटर्स ओके लाइक ब्रेस्ट सो स्ट्रोक. ब्रेस्ट स्ट्रोक हाँ ब्रेस्ट लाइक फॉर स्ट्रोक. 50 मीटर इन सिंगल ब्रेथ. हाँ, नहीं सिंगल ब्रेथ नहीं, मतलब ब्रेस्ट स्ट्रोक में यू कैन आफ्टर यू टेक ब्रीथ इन एवरी स्ट्रोक, है ना. तू अंदर ओके जाता है, तू बाहर आता है, फिर बाहर आके सांस लेता है, फिर अंदर जाता है. समझ रहा है. ओके हाँ ऐसे नॉन स्टॉप नहीं होता सांस, यू कैन टेक वाइल स्विमिंग ऑल्सो. और ब्रेस्ट स्ट्रोक ही होता है. और फिर उसके बाद सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स लाइफ सेविंग आ जाता है. लाइफ सेविंग में क्या, जैसे डॉग स्विमिंग होती है ना, कि सिर्फ हाथ ऐसे हिल रहे, पैर नहीं हिलते उसमें, वैसा वो आ जाता है उसमें. तो वो भी वो फिर एक ब्रेथ ऐड हो जाता है उसमें. और जो पीटी के स्टैंडर्ड्स हैं, पीटी फर्स्ट टर्म में यू हैव 20 पुशअप्स और 2.4 किलोमीटर रनिंग इन 11 मिनट्स, और सिटअप्स नॉर्मल 40. और फर्स्ट टर्म में इतना नहीं है, बस पुशअप्स है. वो पुशअप्स अगर यू कैन डू पुशअप्स प्लैंक टाइप, देन देर इज़ नो इशू. और सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स थोड़े टेस्ट चैलेंजिंग हो जाते हैं, योर चिन अप्स, टो टच एंड रोप क्लाइंबिंग एड्स ऑन. तो जैसे सेकेंड एंड थर्ड टर्म में थर्ड क्लास रोप होती है, और थर्ड टर्म में सेकेंड डाउन आना होता है. सेकेंड क्लास इज व्हेन यू कांट यूज योर फीट, सिर्फ हाथ से चढ़ना है, हाथ से आना है. तो वो थोड़ा वो टेस्ट है, वो उसके लिए प्रिपरेशन अगर तुम पहले थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट अकेडमी जाके वो काफ़ी करा देते हैं. तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एनडीए ज्वाइन करने से पहले कुछ पीटी के स्टैंड करने हैं, तो यू शुड बी एबल टू रन 2.4 किलोमीटर्स इन अराउंड बिटवीन 9 to 10 मिनट्स. 2.4 किलोमीटर्स अपना स्टैंडर्ड बनाओ, और तकरीबन 30 पुशअप्स यू शुड बी एबल टू डू, और तकरीबन 3 to 5 चिन अप्स एंड 3 to 5 टो टच एंड 4 पुलअप्स. ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ विच यू शुड डू बिफोर ज्वाइनिंग अकेडमी, बट जस्ट इन केस तुम नहीं कर पा रहे हो, देन जितना कर सकते हो करो क्लोजेस्ट टू दिस टेस्ट. एंड देन एनडीए जाकर फिर स्क्वाडन विल मेक यू डू सेपरेटली एज वेल, बिकॉज पीटी दे आल्सो वांट कि यू पास योर टेस्ट. हां मेरे को इनिशियल डेज के बारे में जानना था, यू नो लाइक हाउ द इनिशियल डेज लाइफ गोस इन इंडिया. सुना तो बहुत है कि किस दिन में आपको ऐसे दिखाया जाता है, बट वो क्या सच्ची में होता भी है, या व्हाट आर द इनिशियल डेज लाइक. इनिशियली तुम अकेडमी ज्वाइन करते हो तो दे गिव यू हनीमून पीरियड. तो हनीमून पीरियड में नो वन ट्रबल्स यू, मेन इंटेंट इज टू टीच यू, एंड देन आफ्टर यू फॉल्टर ऑन थिंग्स दे स्क्रू यू. तो हनीमून पीरियड यू इंजॉय. और हनीमून पीरियड का ये मतलब नहीं है कि यू कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट. तो जो बेसिक तुम्हारी कुछ गलतियाँ हैं वो नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो बेसिक्स हैं एनडीए के, कि बजाना तो है, क्रेडिट को बजा के सिखाना, तो वो सिखाएंगे तुम्हें. लेकिन शुरू में हाँ ड्रिल उस्ताद ऑफिसर्स सीनियर्स थोड़ा रिलैक्स जाएंगे, बट जस्ट एक दो बार यू विल गेट कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो, देन दे विल स्टार्ट इन ग्राइंड. और 21 डेज इज टू लॉन्ग, ये सिर्फ ऑन पेपर्स होता है कि 21 डेज, बट उसके बाद उससे पहले ही शुरू हो जाता है, एटलीस्ट इंडिया स्क्वाडन में तो शुरू हो जाता है. और तकरीबन यू आफ्टर ज्वाइनिंग यू गेट अराउंड 5 डेज, अराउंड 3 to 5 डेज वहाँ पे जब तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ होती हैं, लेकिन उसके बाद से नो वन रियली केयर्स. ऑन पेपर्स ऐसा होता है कि यू गेट 21 डे ऑफ हनीमून पीरियड, फिर उसके बाद एक सिंगर्ड होता है. तो सिंगर्ड में क्या होता है, एक हाइक होती है बड़ी इजी सी, इजी नहीं मतलब थोड़ी सी माइल्डली चैलेंजिंग. और वो सिंगर्ड करके वहाँ पे एक फोर्ट है, वो काफ़ी पॉपुलर है वो फोकलोर में भी. तो यू गो देयर और वहाँ पे जाके यू गेट योर लंच, और वहाँ पे जोश पुशअप्स होते हैं, और उसके बाद यू बिकम मतलब योर हनीमून पीरियड इज ओवर. दैट मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ हनीमून पीरियड.
एज सून एज यू कम बैक ऑल सिक्स टमर्स आर वेटिंग फॉर यू विद ऑल फोर टमर्स, ठीक है, दे आर लाइक स्टैंडिंग आउटसाइड योर स्क्वाड्रन, और उसी रिग में दे स्टार्ट देयर कार्रवाई ऑन यू. सो आर आर उसको बोलते हैं फर्स्ट जोश. तो दैट इज लाइक आई वुड लाइक मतलब पार्डन माई लैंग्वेज बट इन एनडीए टर्म्स इट इज लाइक लूजिंग योर वर्जिनिटी. तो इन दैट आई रिमेंबर वी केम एट 12 एंड 12 to 4:30 वी वर स्क्रूड. एंड आई थिंक इन फर्स्ट टर्म सबसे ज़्यादा हम उसी दिन बजे होंगे, अगर मतलब वन ऑफ दोज डेज, कि उससे ज़्यादा हम कभी बजे नहीं, मतलब पहले भी नहीं बजे, बाद में भी इतना नहीं अच्छा बजे, इतना बजाया था मैं. और बट दैट डिपेंड्स ऑन द क्राउड. सेकेंड टर्म में नो वन रियली वॉज इंटरेस्टेड इन आर जूनियर कोर्सेज, बट आर सिक्स टर्म वॉज अ वेरी इंटरेस्टेड इन अस, सो दे स्क्रूड अस रॉयली. और आई रिमेंबर उस दिन के बाद थ्री पीपल वेंट ऑन सिक लीव, दो लोगों के पैर फ्रैक्चर हो गए थे और टू ऑफ अस बाप फेंटेड. सो मतलब दैट वॉज द स्कोर कार्ड. लकीली आई डेंट गेट हर्ट दैट डे और आई नॉट फेंटेड एज वेल, तो मैं बच गया. बट हाँ, टू ऑफ माई कोर्समेट्स दे गॉट स्ट्रेस फ्रैक्चर इन देर लेग्स, सो दे हैड टू गो होम फॉर 1 month. बट ये सब होता रहता है, काफ़ी कॉमन है. इनफैक्ट हंटर्स कॉन दैट टाइम बड़ी हॉट होती थी, अब तो ठीक है. तो वॉट दैट हैपेंड दैट टाइम कि नेक्स्ट डे ड्रिल पीरियड वॉज देयर, तो आउट ऑफ 18 ऑफ देम ओनली 4 वर स्टैंडिंग इन ड्रिल, रेस्ट ओह ऑल ऑफ देम वर मेडिकल कैटेगरी. सम ऑफ देम वर इन सीरियस, सम ऑफ देम हैड माइनर इंजरीज. तो वो थोड़ा है डार्क टाइम, बट अब थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम हो गया है, सो नथिंग मच टू वरी अबाउट. और तो वो होता है इनिशियल लाइक डेज, एक और फिर चीज उसके बाद सार उसके बाद चलिए ये होता है कि तुम यू आर लाइक स्क्वाड्रन बेबी, तो यू आर लाइक रॉजर्ड, तुम्हें सब आके कोई बजा देता है, सब छुप छुप के. मैं बोलता है ना कि हम कोई मंदिर का घंटा है क्या, कोई भी आके बजा देता है. तो फर्स्ट टर्म इज लाइक दैट कि कोई मंदिर के घंटे हो तुम्हें कोई भी आके बजाएगा, ठीक है. एंड यू कांट वॉक एनी वेयर, यू हैव टू ऑलवेज स्प्रिंट. लाइक यू एंटर, यू ओपन योर डोर, यू इफ यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम यू गो स्प्रिंटिंग, इफ यू वॉन्ट टू कम फ्रॉम वॉशरूम गो स्प्रिंटिंग, और यू कांट वॉक. एंड फिर यू आर टॉट हाउ टू ईट यूजिंग कटलेरी, तो बिकॉज कटलेरी भी यूज़ करना नहीं आता, काफ़ी रस्टिक जो बैकग्राउंड से लोग. फिर यू आर टॉट बेसिक क्लासेस में, तो यू जस्ट स्लीप, यू यू डोंट स्टडी. आई अच्छा डोंट, मतलब दे अलाउ यू टू स्लीप टीचर्स विल नेवर स्टॉप यू, टीचर्स विल टेल यू प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ. फिर उसके बाद वो जब देखेंगे पूरी क्लास सो रही है, फिर वो ऐसे बैठ जाएगी, यार क्या पढ़ाना इसको, तो जाओ इसको सोने दो. तो वो एक मतलब एक्सपीरियंस है कि कुछ टीचर्स होते हैं वो इंटरेस्ट बनाने के लिए, फिर दे ट्राई, दे हैव दिस टेक्निक्स, नॉन वेज जोक्स मारेंगे, कुछ करेंगे बकचोदी. बट वही है कि इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू. एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैड कि लाइक इफ यू आर इन रगड़ा ठीक है एंड देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ पनिशमेंट व्हिच यू आर नॉट एबल टू डू ओके, फिर क्या होने वाला है देन अ रिमकोलियन और अ सैनिक स्कूल विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड योर कोर्समेट, एंड ही विल बी टोल्ड ओके टू डू दैट फॉर यू. जैसे तेरे को रोलिंग करने को बोला, तेरे को रोलिंग नहीं आती, तो फिर वो रिमकोलियन को बुलाया या सैनिक स्कूल वाले को बुलाया, उसको रोलिंग करवाया, और फिर तेरे को बोला तेरे को समझ आ गई, अब तू वो कर. तेरे से ही करवाएंगे, लेकिन तेरे को पहले डेमो देंगे कि ऐसे करना है, तेरे को डेमो देंगे सिखाएंगे, इनिशियली तेरे को सिखाएंगे. काफ़ी लोग होते हैं उनको रोलिंग वोलिंग नहीं आती, एक हमारे कोर्स में है उसको रोलिंग नहीं आती थी, अब वो ही इज ज्वाइनिंग पैरा ऑन 11th स्पेशल फोर्सेज. ग्रेट हाँ, तो ही ज्वाइनिंग इवन 21, तो मतलब वो ओके है. 21 हाँ, तो दैट इज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड. और इनिशियली ऐसा होता है कि सैनिक स्कूल, रिमकोलियन, जॉर्जियन, ये सब चट्टी लगा के पहुंच जाते हैं हर जगह, ठीक है, भाग जाते हैं हर जगह से. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट टिल 4 टर्म, यू विल सी एवरीवन बिकम्स इक्वल. तो ओके वो ये यू बिकम, यू गेट टू नो द वर्किंग ऑफ द अकेडमी. सो इधर यू, आदत हाँ, यू गेट इन द वर्किंग और दे विल ब्रिंग यू इन वर्किंग. सो रचित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल इंसाइट टू आर व्यूअर्स. टू आर व्यूअर्स, दिस वॉज द पार्ट टू ऑफ आर एपिसोड विद रचित. इन पार्ट वन वी हैड टॉक्ड अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए रिटन एंड एसएसबी एज वेल. ऑल्सो एज यू नो, दिस इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट यूट्यूब चैनल. ऑल प्रोसीडिंग्स विल गो टू भारत के वीर फाउंडेशन. सो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू अस. एंड जय हिंद.